कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ हुई तो इसका जन्म हुआ, यानी किसी की किसी को तकलीफ से बचाने के लिए ऑक्सीफोर्स का जन्म हुआ। और हम बड़े थैंकफुल हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर राजेंद्र सैनी जी के, क्योंकि अगर एक स्पोर्ट्समैन एक अगर कोई क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो उसका ड्रीम होता है कि अगर उसको सचिन तेंदुलकर मिल जाए तो क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो हम इस लाइन के अंदर मानवता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे सर, लेकिन हमारा ड्रीम ये था, क्योंकि हम आपको बचपन से जानते हैं सर, हम क्या कुरुक्षेत्रा शहर का बच्चा बच्चा आपको जानता है सर, ऑलमोस्ट पूरे हरियाणा में सब लोग आपको जानते हैं, अमेरिका तक काफ़ी पूरे इंडिया के अंदर आपका नाम है। ऑक्सीफोर्स में आपका होना इसका मतलब ये हो गया कि अब ऑक्सीफोर्स को पूर्णता मिल रही है। व्हाट इज ऑक्सीफोर्स? ऑक्सीफोर्स एक वायरस को ख़त्म करने के लिए, एक वायरस जो कोविड महामारी जब फैली थी, जब हमने वो दर्द देखे थे, जब हमने वो लोगों को मरते देखा था, तब इसका जन्म हुआ कि हम एक ऑक्सीफोर्स को इस रूप में लेके आए कि हम लोगों को बचा सकें, जिसके अंदर कुछ ऐसे गैजेट्स, कुछ ऐसी एजुकेशन, कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम तैयार किए गए जिससे लोगों की रक्षा होनी शुरू हो गई। कड़ियाँ बनती चली गई, एक्सपीरियंस था हमें किस तरह से सिस्टम को तैयार करना, एक्सपीरियंस था हमें कि R&D करके किस तरह से वो गैजेट्स लेके आने जो लोगों की रक्षा कर सके। अभी तक क्या था डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल पिछले 40 सालों से ऑलमोस्ट जो है रेड क्रॉस संस्था के जरिए हजारों लाखों लोगों को एजुकेशन दिया, लाखों लोगों को, आई थिंक डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि 4 लाख से ज़्यादा इनके जो ट्रेनर्स रहे हैं, जिन्होंने सर ने जिनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग क्या थी? फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। लाइफ को किसी का अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना के बाद इमीडिएट उसको कैसे संभाला जाए, ये फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड के साथ उसमें कई ऐसी चीज़ें भी आई, जिस तरह से हार्ट अटैक हो गया या माउथ टू माउथ सांस लेके किस तरह से दूसरे व्यक्ति को बचाया जाए इमीडिएटली, ठीक है, किस तरह से अगर हार्ट अटैक है तो उसको पंपिंग की जाए, ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ में चल रही थी। हर किसी गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड की होती थी, हर किसी को कंपलसरी होता था कि वो अपने घर के अंदर भी नॉर्मली जो सभ्य लोग हैं अपने घर में फर्स्ट एड भी करते हैं। लेकिन उस किट का एजुकेशन, उस किट का आवरण, उस किट को तैयार किया लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जाए और उससे किस तरह से अपने और अपने लोगों की, अपने दोस्तों की रक्षा की जाए, ये रक्षा में बहुत बैकूबी से ब्रीफ से पूरी दुनिया को समझाया। सेम हियर आफ्टर कोरोना, जब हमें ये पता चला कि जीवन में फर्स्ट एड तो इमीडिएट हमें मिल रहा है, लेकिन इस ये कैसा दौर आ गया जहाँ पर इमीडिएट लोगों की फर्स्ट एड की जरूरत ही नहीं पड़ रही। फर्स्ट एड तो तब देना कि समय मिले, जब समय नहीं मिल रहा है लोग आ रहे हैं तो वायरस आ रहा है धड़ाम से जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो रहा है धड़ाम से जा रहे हैं। हमने वो मंजर देखा, मैं बयान नहीं करना चाहता, सभी को पता मंजर क्या था, मैंने और मैडम रितु ने वो मंजर देखा। और हम लॉकडाउन में लोग थे, एक घर के अंदर है जो हमारा घर था, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। एज ए ह्यूमन बींग, एज ए लीडर, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ही ऐसा इंसान हूँ कि मैं कुछ उड़ूंगा, मेरे पंख लगेंगे और मैं इस वायरस को ख़त्म कर दूँगा। इस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे करें क्या, वो सुपरमैन वाली फीलिंग आती थी, लेकिन वो ख्याल थे सर, नोबडी सुपरमैन। मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ ऐसा फार्मूला लेके मोदी साहब के पास पहुँच जाऊँगा और उनको बोलूँगा कि ये सारे में फैला दो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। लेकिन जन्म हुआ ऑक्सीफोर्स का। ऑक्सीफोर्स ने एक ऐसी लाइफ सेविंग किट के लिए मुझे R&D करने पर तैयार किया। ऑक्सीफोर्स में जो सबसे पहला ज़रूरत का जो हमें लगा कि उस समय मैं एज ए टीचर अगर बात करूँ, इंफ्रारेड थर्मामीटर, हर किसी को हर मॉल में स्कूल में हर जगह पर इंफ्रारेड थर्मामीटर नज़र आ रहा था। हमें ड्यूटी दी गई कि हम जाएं घरों घरों में अनाज दें, फ्रिज खाते भी रहे सर, फ्रीज आए थे। तो मैंने महसूस किया कि हमें जो मॉडर्न लोग हैं या जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में रहते हैं लोग सर, या जो मॉल्स में जाते हैं लोग, या जो हाई क्वालिफाइड जो स्कूल्स होते हैं मॉडर्न स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे इंफ्रारेड थर्मामीटर का प्रयोग हो रहा है, जो डिस्टेंस थर्मामीटर का। लेकिन जब हम गांव में लोगों को आटा देने जाते थे
हम गांव में लोगों को अनाज देने जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, नोबडी, किसी को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें कोई भी आ रहा है, किसी ने इंफ्रारेड थर्मोमीटर का मतलब ही नहीं पता उनको। वहां से पता चला कि ये जो गैजेट है इतना जरूरी है हर घर के अंदर, डिस्टेंस एजुकेशन के रूप में हर घर के अंदर होना चाहिए। इसके बाद ऑक्सीमीटर हमारे कुछ स्कूल्स में अवेलेबल करवाए गए सर, ऑक्सीमीटर्स की, जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन का पता चले, आपके ऑक्सीजन लेवल का पता चले, आपके हार्ट बीट का लेवल का पता चले। ऑफिशियली तो हमें मिलते थे सर, लेकिन समाज के पास नहीं थे। तो ये चीज़ें समाज तक पहुंचाने के लिए और इसकी एजुकेशन समाज को देने के लिए ऑक्सीमीटर का हमने इसके अंदर प्रयोग किया, एक आधुनिक किट के रूप में। ऑक्सीमीटर के जरिए ये पता चला कि किस तरह से हम लोगों को हर पर्सन इंसान अपने आप को टेस्ट कर सकता है। जैसा पहले लेवल के ऊपर ही ब्लड उसको पता चल जाए कि मेरा हार्ट बीट कैसी है या मेरे ऑक्सीजन लेवल कैसा है, तो वो यंत्र था ऑक्सीमीटर, जो कि मोबाइल के जरिए ही बहुत ईजी एजुकेशन। तो जिस तरह से अमितेंद्र सर बोलते हैं कि ऑक्सी फोर्स का जो मतलब है, ऑक्सी फोर्स का मतलब किट बेचना नहीं है, ऑक्सी फोर्स का मतलब है इस किट की अवेयरनेस देना, लोगों को नॉलेज देना, और नॉलेज लेने से लोग अपनी और अपने दोस्तों की एक फर्स्ट एड की तरह एक यह निरंतर रक्षा कर सकें सर। इसके लिए हमें गवर्नमेंट का बहुत साथ मिला सर, हमें इससे पहले इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो इंडस्ट्री में जुड़े होने के कारण बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने R&D की थी। मैंने देखा कि हम पहले जिस तरह से शैम्पू हो गया या साबुनें होगी या हाउस होल्ड के सामान हो गया, FMCG का सामान हो गया, हम लोगों तक पहुंचा देते थे, लेकिन हमारी जरूरत नहीं होती थी कि हम किसी एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ बात कर सकें। मैं पिछले 10 साल से राजेंद्र सर को जानता हूँ, 20 साल से मतलब कि सर के साथ शिक्षा भी ग्रहण की मेरी ट्रेनिंग मिली, लेकिन मैं लाइफ में कभी भी सर के पास किसी सिस्टम को लेके नहीं आ सकता था जिसके अंदर कोई इस तरह का प्रोडक्ट होता। लेकिन जब पहले दिन डॉक्टर साहब के साथ हमने ऑक्सी फोर्स के बारे में डिस्कशन की, सर ने बहुत अप्रिशिएशन की, सर ने मतलब हमें पूर्णता दी कि वाकई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही भी हमारा सर के प्रति आभार है कि सर ने आप हमें अपना आशीर्वाद दिया। धन्यवाद सर। तो